नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और दिन सोमवार है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 2:33 तक ही रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। लिहाजा आज मास शिवरात्रि व्रत है। आज सुबह 8:40 तक वृद्ध योग रहेगा, उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा जो कि कल की सुबह 5:38 तक रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:10 से लेकर कल सुबह 7:30 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आज दोपहर 2:33 से रात 1:28 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। आज हम बात करेंगे शाम 5 से 7 के बीच पैदा होने वाले बच्चों की, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 जनवरी की सुबह 7:43 से 9:14 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 जनवरी की सूर्योदय से सुबह 9:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और दोपहर 1:41 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जनवरी की सुबह 8:09 से 10:17 तक और दोपहर पहले 11:42 से दोपहर 1:18 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 जनवरी की सुबह 7:15 से 9:02 तक और सुबह 10:29 से दोपहर पहले 11:54 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 जनवरी की सुबह 10:30 से दोपहर पहले 11:58 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 7:31 से 9:09 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 जनवरी की सुबह 10:29 से दोपहर बाद 3:25 तक और शाम 5:40 से रात 12:33 तक रहेगा। अगर आज आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:14 से दोपहर 1:41 तक रहेगा। और अब बात आती है शुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति दिशा में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब ये अशुभ समय 13 जनवरी की सुबह 10:30 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष मिथुन तुला और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूँ कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:34 से 9:52 तक। मुंबई सुबह 8:38 से 10:01 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:39 से 9:56 तक। लखनऊ सुबह 8:16 से 9:36 तक। भोपाल सुबह 8:25 से 9:46 तक। कोलकाता सुबह 7:40 से 9:02 तक। अहमदाबाद सुबह 8:44 से 10:05 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 8 से सुबह 9:26 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोचित रहे आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप अपना ध्यान पुराने कामों को पूरा करने में लगाएंगे। वेब डेवलपर्स के लिए दिन ठीक रहने वाला है। आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम मिल सकता है।
कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए भी थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। आज पैसों के लेन देन करने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आप किसी सामान को कहीं रखकर भूल सकते हैं। आपको अपनी कीमती चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। माता पिता का साथ बना रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति हो सकती है। मौसम को देखते हुए आपको अपने डेली रूटीन में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपको किसी खास व्यक्ति से कुछ प्रेरणा मिल सकती है। आपका दोस्त आपको बिजनेस में कुछ नए आइडियाज देंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। कुछ बड़े लोग आपके व्यवहार से बड़े प्रसन्न होंगे। माता पिता के साथ आप धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर बना रहेगा। आज आप बढ़िया खाने का लुत्फ उठाएंगे। आपकी किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने की संभावना बन रही है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। रिश्ते बेहतर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपको सरकारी कामों में कुछ लोगों से सहयोग मिल सकता है, जिससे आपका काम समय पर पूरा होगा। काम के प्रति आपकी मेहनत और लगन देखने वाली होगी। आपकी सफलता सुनिश्चित है। परिवार वालों की उम्मीदें आपसे बनी रहेंगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आप दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। लवमेट्स कहीं घूमने जा सकते हैं। कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आया है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी विषय में आ रही प्रॉब्लम आज दूर हो जाएगी। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। आपका कोई भी काम आज आसानी से पूरा हो जाएगा। ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। जूनियर्स आपसे काम सीखना चाहेंगे। घर वालों के साथ गुड टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। लवमेट के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। साथ बाहर डिनर करने का प्लान बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आप पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लोग आपसे खुश रहेंगे। आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशिप करने का विचार बनाएंगे। आज आपको लाभ के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपको किसी सोर्स से उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होगा। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। जानकार आपकी क्रिएटिविटी की सराहना करेंगे। सेहत पहले से बेहतर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपको सबके साथ अपने संबंध बेहतर बनाकर रखने चाहिए। दोस्तों के साथ कुछ अनबन हो सकती है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को जॉब के कई सुनहरे अवसर मिलने की संभावना है। आपको कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस राशि के जिन लोगों की मोबाइल शॉप है, आज का दिन उनके लिए मुनाफा लेकर आया है। लेकिन ध्यान रहे, आपको बेवजह की चीज़ों पर खर्च करने से बचना चाहिए। साथ ही वाहन चलाते समय अपने साथ जरूरी कागजात रखना मत भूलिएगा। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां आज दूर हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। आपको दोस्तों से कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। ऑफिस में भी आपको अधिकारियों से मदद मिलेगी। बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी डील मिलेगी, जिसमें तरक्की सुनिश्चित है। नौकरी पेशा लोगों को आज इंक्रीमेंट विद प्रमोशन का लाभ मिलेगा। आपसी प्यार आपके दांपत्य रिश्तों को और भी बेहतर बनाएगा। पारिवारिक जीवन आज हर तरह से अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बनाए रखें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, सब ऐसे ही अच्छा चलता रहेगा। सेहत के मामले में सब बेहतर रहेगा। दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके हर काम का हल चुटकियों में निकल आएगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको अपनी राय देने का मौका मिलेगा। लोगों को आपका काम पसंद आएगा। आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे। आज आप लेखन के कार्यों में रुचि लेंगे। घर के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे, इससे आपके संबंधों में मजबूती बरकरार रहेगी। आज किसी काम के लिए की गई मेहनत से आपके माता पिता खुश दिखाई देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6।
धनु राशि वालों, आज आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच विचार करेंगे। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। परिवार वालों के साथ जितना प्रेम भाव बनाए रखेंगे आपके जीवन के लिए उतना ही अच्छा है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको पढ़ाई लिखाई में मेहनत करने की जरूरत है। आपको पहले किसी काम के लिए किए गए प्रयासों का आज बेहतर फल मिलेगा। आपका आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज का दिन मिली जुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आप किसी सामाजिक कार्य में रुचि लेंगे। आपको किसी धार्मिक आयोजन से जुड़ने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। कोई व्यक्ति आपके काम में अड़चन डाल सकता है। आज दूसरों से उलझने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने काम पर ध्यान दें। परिवार में भी आपको रिश्तों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। सेहत के लिहाज से सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज आप अपने करियर के प्रति कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आप काम को लेकर कोई नया विचार बना सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। ऑफिस में सबका सहयोग पाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको किसी नई बिजनेस डील के लिए विदेश जाने का ऑफर मिलेगा। आप पार्टनर के साथ शॉपिंग करने की प्लानिंग करेंगे। इस राशि के बच्चों की पढ़ाई बेहतर तरीके से मिलेगी। परिवार में सबकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों के साथ आप अपनी कोई बात शेयर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका कोई जरूरी काम बड़ी ही आसानी से और समय पर पूरा होगा, जिससे आप काफ़ी खुश रहेंगे। एजेंट के रूप में काम कर रहे लोगों को आज लाभ के कई सारे मौके मिलेंगे। जीवन साथी के साथ आप खुशियों को बांटकर आपको और भी अच्छा लगेगा। आज आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बड़े बुजुर्ग अपने दोस्तों से मिलेंगे। इनकी सेहत ठीक बनी रहेगी। बच्चे घर के काम में आपका हाथ बटाएंगे। सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को पानी पिलाएं, और जिनकी आज मरीज एनिवर्सरी है वो आज रोली से तिलक करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वाले दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएंगे, जिससे आपके बीच प्यार और बढ़ेगा। मूलांक 2, आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। कोई भी निर्णय लीजिए, सोच समझ कर लीजिए। मूलांक 3, आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी, जिससे आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। मूलांक 4, छात्रों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, साथ ही आपको कोई सफलता मिलेगी। मूलांक 5, जो लोग बिल्डर्स हैं उनके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। मूलांक 6, जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं उनके स्वास्थ्य में पहले से बेहतर सुधार रहेगा। मूलांक 7, बिजनेस डील के सिलसिले में किसी यात्रा पर जा सकते हैं, ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। मूलांक 8, धर्म के प्रति आस्था बनी रहेगी, आप टीवी पर कोई धार्मिक प्रोग्राम भी देखेंगे। मूलांक 9, लव मेट्स के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है, आप लोग कहीं बेहतरीन जगह पर घूमने जाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होटल में रसोई घर की दिशा के बारे में। किसी भी होटल में सबसे अधिक इम्पोर्टेंस रसोई घर की ही होती है, क्योंकि लोग होटल में इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने को मिले। इसलिए होटल में रसोई घर का निर्माण करवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होटल में रसोई घर के निर्माण के लिए आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। आग्नेय कोण का वाहक अग्निदेव को माना जाता है, और रसोई के काम में अग्नि महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, इसलिए रसोई के लिए यह जगह सबसे उपयुक्त होती है। रसोई में चूल्हे के लिए प्लेटफॉर्म दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, जबकि आप इसका मुंह पूर्व दिशा में करके रखें। इसके अलावा तंदूर या माइक्रोवेव के लिए आग्नेय कोण या पश्चिम दिशा का, और फ्रिज के लिए आग्नेय का दक्षिण हिस्सा या फिर पश्चिम दिशा का चुनाव करना ठीक रहता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आपके लिए 2021 कैसा है, इसका राई रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म के समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें साल भर का सार संक्षेप, और उसके पहले आपको बता दें, देखो 24 घंटे हैं, दो दो घंटे के 12 हिस्से में बांट के हम ये एनालिसिस करते हैं। अब रोज हम आपको बताते हैं उन 12 हिस्सों के बारे में, तो और एक हिस्से का आपको डिटेल बताते हैं। तो आज किसका टर्न है? आज टर्न है शाम।
5 बजे से 7 बजे बीच जो लोग पैदा हुए उनके बारे में, और दूसरी बात पहले सारे स्लॉट्स का सुन लीजिए। तो अगर आपका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है, ये आपके लिए सक्सेस के लिए सक्सेस ईयर ऑफ सक्सेस है। सुबह 7 से 9 के बीच आपका जन्म हुआ है तो ये साल थोड़ा स्लो है लेकिन अच्छा है। अगर जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल आपका मन उछटेगा और हौसला बनाए रखिए। जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल प्यार में थोड़ी सावधानी बरतनी है। अगर जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो मुश्किलें होंगी लेकिन लड़िए उनसे। और अगर आपका जन्म दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच हुआ है तो आप अपने एम्बिशंस को कम कर लें लेकिन भागदौड़ खूब बनी रहेगी, इसलिए एम्बिशन भी बढ़ाए रखिए। और अगर आपका जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये वर्ष विशेष उपलब्धियों का वर्ष है। और अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है तो बिना मांगे मुराद पूरी होगी। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल आप अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करिए। और अगर आपका जन्म रात से 1 के बीच हुआ है तो इस साल आपके लिए मिश्रित फल लेकर आया है। अगर आपका जन्म रात से 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ है तो इस साल आपकी खुशियाँ बढ़ेंगी, यात्राएँ होंगी और आपकी टेरिटरी बढ़ेगी। अगर आपका जन्म रात 3 बजे से 5 बजे के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा है, रिजल्ट कुछ कम। क्रोध को अपनी पॉजिटिव ताकत बनाइए। और अब बात करेंगे डिटेल में उन लोगों के बारे में जिनका जन्म शाम 5 से 7 बजे के बीच हुआ। अगर आपका जन्म या आपके बच्चे का जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ है तो आपको मालूम ही होगा कि आपका बच्चा नियति अकड़ू किस्म का प्राणी है। किसी भी दशा में अपना सर झुकाने को तैयार नहीं होता। शाम 5 से 7 बजे के बीच जन्म लेने वाले बच्चे कभी किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते। ये निहायत जिद्दी किस्म के होते हैं, निहायत ही शौकीन, मेहनती, साधन संपन्न, बुद्धिमान, अध्ययनशील और विनोद प्रिय होते हैं। ये साधन संपन्न होने के साथ साथ रंगीन व्यक्तित्व के भी होते हैं। ये बड़े ही स्नेही प्रकृति के होते हैं और किस्मत के मारों के मसीहा होते हैं। इनका शेड्यूल हमेशा टाइम बाउंड होता है और ये अपने इर्द गिर्द हर उस व्यक्ति की मदद करने में आगे रहते हैं जिसका साथ उसकी किस्मत ने छोड़ दिया हो, उसकी भी मदद करते हैं। ये बहुत शानदार वक्ता होते हैं, बड़े अच्छे प्रवाचक सिद्ध होते हैं। ये सच्चाई कहने में कभी नहीं हिचकिचाते। अगर वो सच्चाई कड़वी है तो भी बिना हिचक उस सच्चाई को उजागर करते हैं, भले ही उस बात को कहने से इनकी खुद की प्रतिष्ठा गिरती हो, लेकिन ये अपनी सच्चाई बोलने के प्रति कभी पीछे नहीं हटते। शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर साबित होते हैं। इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। ये आने वाले समय की योजना बनाते समय छोटी से छोटी डिटेल पर पूरा ध्यान देते हैं। जनसंपर्क के कामों के लिए और ऐसे कामों के लिए जिनका संबंध पब्लिक डीलिंग से हो, ये बहुत अच्छे अध्यापक भी हो सकते हैं। कभी कभी ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस प्रदर्शित करते हैं जिसके कारण दूसरों की नज़रों में इनकी छवि धूमिल होती है। ताकतवर लोगों से इन्हें बहुत मदद मिलती है। कल्पनाशील, जीवंत, आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी लोगों से इन बच्चों को हमेशा लाभ होता है। इन्हें शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले लोग पसंद नहीं आते। इन बच्चों की पसंद हमेशा धमाकेदार लोग होते हैं। इन बच्चों का व्यक्तित्व एक गहरी झील की तरह होता है। इनके व्यक्तित्व में ऊपर तो खुलापन दिखाई देता है लेकिन अंदर से बेहद गहरे होते हैं। शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुए लोगों को सुबह 7 से 9 बजे के बीच पैदा हुए लोगों से हमेशा मदद मिलती है, जबकि सुबह 5 से 7 बजे के बीच पैदा लोग इनकी जड़ें कुतरने से बाज नहीं आती। सितंबर का महीना इनके लिए अच्छा होता है। अप्रैल का महीना इन पर ईश्वरीय कृपा की वर्षा करता है और मार्च का महीना इन्हें कदम कदम पर बाधा पहुंचाता है। शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों के लिए अपनी दिशा है पश्चिम, लकी दिशा है साउथ ईस्ट कॉर्नर का पूर्वी हिस्सा और अनलकी दिशा है पूर्व। तो इस बच्चे के कमरे की पश्चिमी दिशा में धातु से बनी कोई चीज जरूर होनी चाहिए, जबकि इस बच्चे के कमरे के पूर्व दिशा में इस बच्चे का कोई जरूरी सामान नहीं रखा जाना चाहिए। इस बच्चे के शुभ ऋतु है शरद और शुभ रंग है सफेद। इसके जीवन का आधार है हर्ष यानी खुशियां। किसी भी परिवार की छोटी बेटी इनके लिए फ्रेंडली और बड़ी बेटी प्रकृति का वरदान है। लकड़ी की नाव पर बैठकर कभी कभी नदी या सरोवर की सैर करना इस बच्चे के जीवन का अमृत तत्व है, जबकि किसी भी परिवार के बड़े बेटे से इस बच्चे को सपोर्ट नहीं मिल सकता। जब आकाश में बादल गरजते हैं तो वो समय इस बच्चे के लिए अशुभ समय होता है। वसंत ऋतु में इस बच्चे की सेहत पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। शाम 5 से 7 के बीच पैदा हुए बच्चों के जीवन में अपनी योजनाएं सबसे पहली प्रायोरिटी रखती हैं।
सुबह 5 से 7 बजे के बीच का समय इन बच्चों को बिल्कुल सूट नहीं करता। इस बीच बच्चों को हरी घास में या पेड़ों के नीचे और झाड़ियों में ले जाया जाना अवॉइड करना चाहिए। जबकि सुबह 7 से 9 का समय बच्चे के लिए बेहद फेवरेबल होता है। अपने जन्म स्थान से आग्नेय दिशा की पूर्वी साइड में पड़ने वाले शहरों में जाना इन बच्चों के लिए वरदान की तरह साबित होगा। जबकि पूर्व दिशा और उसमें पड़ने वाले शहर इस बच्चे को बिल्कुल भी सूट नहीं करते। इन बच्चों के अपने कमरे में बच्चों की स्टडी टेबल पश्चिम दिशा में लगाई जानी चाहिए और पढ़ाई करते वक्त तो उनका मुंह दक्षिण पूर्व के पूर्वी साइड में होना चाहिए। खाना खाते समय, पानी पीते समय इन बच्चों का मुंह दक्षिण पूर्व की पूर्वी साइड में होना चाहिए। वर्षा ऋतु में जब बादल गरज रहे हों तो इस बच्चों को कोई महत्वपूर्ण काम करना अवॉइड करना चाहिए। शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों को शुभ रंग सफ़ेद और अशुभ रंग गाढ़ा हरा है। इस बच्चे की किडनी बहुत मजबूत होती है और इनकी पाचन शक्ति इनके लिए वरदान स्वरूप होती है। जबकि इन बच्चों को बड़ी आँत संबंधी बीमारियों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। इनके लिए वर्ष 1957, 1968, 1981, 1993, 2005, 2017 और आने वाले समय में 2029 में पैदा हुए लोग शुभ हैं। जबकि 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 और आने वाले समय में 2024 में जन्मे लोग इनके लिए वरदान स्वरूप हैं और इन लोगों से इन्हें अपार मदद मिलेगी। जबकि 1951, 63, 75, 97, 2009 और आगे आने वाले 2021 में जन्मे लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। और अब बात करेंगे अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करें। उदाहरण के लिए बच्चे का शुभ रंग सफ़ेद है और इसकी स्कूल की ड्रेस अगर हरे रंग की है तो ये इस बच्चे के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसी दशा में आपको बच्चे के कपड़ों में सफ़ेद रंग का रुमाल रखना चाहिए और अगर आप उसमें हल्की से लेवेंडर की गंध लगा सकें तो और भी अच्छा है। अगर शाम 5 से 7 के बीच जन्मे इस बच्चे की स्कूल टीचर 51, 63, 1975 या 1997 की पैदा हुई है तो आप बच्चे को ऐसा बैग दीजिए जिस पर ड्रैगन का चित्र बना हो और ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आपके ऑफिस में अगर आपका बॉस भी इनिमिकल ईयर्स में पैदा हुआ है तो आप भी अपने किसी चीज़ पर ड्रैगन का चित्र बना सकते हैं, फायदा होगा। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ है। साल भर आपको कैसे अपना कैलेंडर बनाना है हमने आपको उसके बारे में पूरी तफसील दी है। अपना साल भर का कैलेंडर बनाइए। हाँ, कल यानी कि 12 तारीख को अमावस्या तिथि होने की वजह से इस साल पड़ने वाली सभी अमावस्याओं के महत्व की चर्चा, अमावस्या तिथि क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या अमावस्या जीवन का काला पक्ष है, नहीं, परमात्मा पूर्ण है, अमावस्या का महत्व पूर्णिमा से कम नहीं, क्यों है, किसके लिए है, किसे ध्यान रखना चाहिए, किसके लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है और साल भर आने वाले साल भर में कब कब कौन सी अमावस्या पड़ेगी, कल हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। 13 तारीख को लोहड़ी की बात करेंगे, 14 को मकर संक्रांति है। अब 15 जनवरी को हम उन लोगों की बात करेंगे जिन लोगों का जन्म शाम 7 से 9 बजे के बीच हुआ है, वो 2021 में अपना ईयरली कैलेंडर कैसे बनाएंगे, इसकी चर्चा 15 तारीख को। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में और ABCD ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले, किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको पूरी तरह से सफलता प्राप्त होगी। B, लवमेट्स के लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा, लवमेट के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। C, आपके सोचे हुए सारे काम बच जाएंगे जिससे आप पूरा दिन खुश बने रहेंगे। D, बिगड़े रिश्तों को आप बनाएंगे, इससे घर के सभी सदस्य आपसे खुश होंगे,
ई आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, साथ ही आपको आपके परेशानियों का समाधान भी मिलेगा। एफ ऑफिस में आज एक्स्ट्रा वर्क करने से आपका पेंडिंग पड़ा हुआ काम पूरा हो जाएगा। जी किसी तरह के विचारों में आप खोए रहेंगे जिससे आप थोड़ा उलझन सी महसूस करेंगे। एच आपके व्यवहार से लोग खुश होंगे लेकिन कुछ लोग आपका विरोध भी कर सकते हैं। आई आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लंबे समय से चल रही परेशानियों का हल निकलेगा। जे घर पर कोई रिश्तेदार आएगा, वो आपको अपनी कुछ पर्सनल बातें बताएगा। के ऑफिस में माहौल थोड़ा अलग सा रहेगा इसलिए आप किसी से ज़्यादा बातचीत ना करें। एल आपके लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। एम आपके व्यापार में धन लाभ होगा और साथ ही आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। एन बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, अचानक बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। ओ परिवार के साथ आज का दिन बिताएंगे जिससे परिवार के सदस्य आपसे खुश होंगे। पी आपको अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यू आपकी आय में बढ़ोतरी होगी जिससे आप अपने एक एक करके अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। आर आपके लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा, साथ ही शाम को स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएंगे। एस परिवार में कोई नया सदस्य शामिल होगा, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। टी परिवार के साथ डिनर करेंगे, आपके बीच नज़दीकियाँ और बढ़ेंगी। यू कोई चीज़ खरीदने में पैसों की समस्या आ रही है तो वो समस्या आज खत्म होगी। वी अपने वॉलेट को आप समय समय पर चेक करते रहें, नहीं तो कहीं मिसप्लेस हो सकती है, बचाइए। डब्ल्यू ऑफिस में सीनियर से आपको वाहवाही मिलेगी, साथ ही आपको कोई गिफ्ट भी मिलेगा। एक्स किसी से कोई छूट बात ना भूलें, बाद में पछताना पड़ेगा। वाई आपको आज कोई उपहार मिल सकता है जिससे आपका मन खुश बना रहेगा। जेड लव मेड आज साथ में टाइम स्पेंड करेंगे जिससे आपके बीच प्यार और बढ़ेगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तराखंड के देहरादून में प्रवासी नदी के तट पर मौजूद है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में शिवलिंग एक प्राकृतिक गुफा में स्थापित है। गुफा की छत से जल लगातार टपकता हुआ शिवलिंग का अभिषेक करता रहता है। गुफा की छत से लगातार जल धीरे धीरे टपकता है और शिवलिंग का ऑटोमेटिक अभिषेक करता रहता है। एक और खास बात यह है कि इस मंदिर के चारों तरफ सल्फर का झरना भी मौजूद है जो औषधीय गुणों से भरपूर है। एक लोक मान्यता ये भी है कि गुरु द्रोणाचार्य को इसी स्थान पर भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। स्वयं महादेव ने आचार्य को यहाँ अस्त्र शस्त्र और पूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे बीच में से झुकी हुई भौहों के बारे में। कुछ लोगों की भौहें पूरी झुकी ना होकर केवल बीच में से नीचे की ओर झुकी होती हैं, तो आज हम ऐसे ही लोगों के स्वभाव के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी भौहों वाले लोग सौंदर्य प्रेमी होते हैं। इन्हें सजना संवरना घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। साथ ही ये जो भी काम करते हैं उसे पूरे मन और लगन से करते हैं, इसलिए इनके सारे काम बन जाते हैं। नई नई कलात्मक चीज़ें करना इन्हें बहुत पसंद है, चाहे फिर वो साज सजावट का काम हो या खाना बनाने का, लेकिन इन पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसी भौहों वाले लोग दूसरों से अपना काम करवाने के लिए उन्हें डराने धमकाने का सहारा भी लेते हैं। ये लोग बोलने में तेज़ होते हैं इसलिए जल्द ही दूसरों को फंसा लेते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 जनवरी को पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 2:33 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 12:23 तक रहेगी। अमावस्या पूर्णिमा संक्रांति चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन करना निषिद्ध है, ये नरक की प्राप्ति के समान है। अतः आज दोपहर 2:33 तक आपको बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए। उसके बाद कल दोपहर 12:23 तक तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन आपको अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय
कृमि विश्व विषाणु कुलोन्मूलन आय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसरे विसरे पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहे एहे रुद्र आज्ञा पयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज बुजुर्गों से आशीर्वाद लीजिए, सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और उससे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।